हॉस्पिटल जा रहे सर पिथौरागढ़। हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सभी अपने अपने घरों में होंगे। गाइज, आप लोग को पता है पूरे देश और दुनिया में अभी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, तो इसी वजह से पूरा देश लॉकडाउन है अभी। और आप लोग भी अपने अपने घरों में रहिए, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। तो गाइज, अभी मैं पिथौरागढ़ जा रहा हूँ किसी अर्जेंट काम की वजह से, तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर एक परमिशन मैंने ली हुई है, जो लेटर बनता है लोकल अथॉरिटी से, वहाँ से मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी अगर किसी अर्जेंट काम की वजह से आपको जाना है तो आप लोग भी पहले एक पास आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पर चेकिंग हो रही है और जो कि ज़रूरी भी है। इससे काफ़ी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और उसको उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी घर पे रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कैसे हालात हैं बाहर अभी। सो गाइस, देखिए घर से निकलते ही हमको यहाँ पे पुलिस वाले मिल गए थे, तो हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाए और उनको बताया कि हमने परमिशन ली हुई है, तो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कर्फ्यूज जैसा माहौल हो रहा है, कोई भी यहाँ पे सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा। अभी ओगला पहुँचने वाले हम लोग, ये देखिए ओगला में भी पुलिस चेकिंग कर रही है यहाँ पे। गाइज, ओगला जो है इसके आसपास कई सारे गांव हैं और ये एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पे सारे गाँव का, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, एकदम सुनसानी छाई हुई है चारों ओर। अभी हम लोग कनालीचना पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक पुलिस चेक पोस्ट है फिर से, तो देखिए यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही हमें आगे जाने देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हर जगह यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, पुलिस जो चेकिंग कर रही है गाड़ियों को, कोई भी बिना पास के जा नहीं सकता यहाँ से आगे। तो अभी जाजर देवल में हमें फिर से एक चेक पोस्ट यहाँ पे। तो अभी हम लोग नैनी सैनी के पास हैं, अभी थोड़ा सा काम है हमें यहाँ पे, तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर आपको ले चलेंगे पिथौरागढ़ मार्केट की ओर। ये हमारा बंगलो। ये देखिए गाइस, जैसे ही मार्केट में एंटर हुए हम लोग, तो यहाँ पे फिर से पुलिस चेक पोस्ट है एक और। अरे कुछ नहीं आएगा कहीं, हम ये सब अपना कर लेंगे सर, पाँच बनाए सर वाली बात। एक तो नंबर डी एल है ना, तब इसके उससे थोड़ा, हाँ बाकी तो कुछ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के जवान जो हैं गरीबों को खाना खिला रहे हैं यहाँ पे, जो गरीब हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं, जो पर डे बेसिस पे जो काम करते हैं, क्योंकि अभी काम का सारे ठप हैं तो उनको इनकम नहीं हो पा रही उनकी, तो ऐसे में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है यहाँ पे। गाइज़ ये देखिए, अभी हमें पिथौरागढ़ बस अड्डे के सामने हम लोग हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एकदम सुनसानी छाई हुई है।
मॉर्निंग में 7 बजे से 1 बजे तक थोड़ा लॉकडाउन में छूट दी जाती है, बट अभी लगभग 1 बज चुका है, 1:08 हो गए हैं और अब यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है। ये देखिए गाइस, अभी हमें सिलथाम तिराए के पास, और ये जो काफ़ी व्यस्त रहता था ये एरिया, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे देखने को मिलती थी हमें, बट अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन का असर यहाँ पे भी साफ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस टीडीआर की ओर जा रहे हैं, और ये देखिए ये पिथौरागढ़ शहर एकदम रुका हुआ, अभी शांत एकदम। अभी हम रई के पास में हैं और यहाँ पे फिर से एक पुलिस चेक पोस्ट। गाइज, अभी मैं यहाँ पे एक जगह रुका हुआ हूँ, आप देख सकते हैं पीछे एक मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, एक पूरे चट्टान के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है, और देख सकते हैं आप चारों ओर कोई भी नहीं है, यहाँ पे पूरी रोड खाली है, इधर और इधर कुछ एम्बुलेंस और या फिर कोई सरकारी जो भी गाड़ियाँ हैं जिनको परमिशन है वही अभी यहाँ पे रोड पे दिखाई दे रही है। ये देखिए गाइज, ये गाँव है सतगढ़, इस गांव का नाम है, और आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, यहाँ पे भी कोई भी सड़क पे या कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा, जबकि गांव में काफ़ी सारे काम भी होते हैं तो लोग अपना अपना काम करके अपने घरों में रेस्ट कर रहे होंगे। भी आप देख सकते हैं फसल, हरियाली देख रहे हैं आप यहाँ की। गाइस, अभी मैं हूँ कनाली चीना में, ये आप देख सकते हैं अमूमन यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, काफ़ी रस रहता था इस एरिया में, तो बट अभी आप देख सकते हैं ये कनाली चिना की मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, आगे कुछ पुलिस वाले हैं क्योंकि लॉकडाउन है, सारी मार्केट बंद है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। ये देखिए कुछ एक दो ट्रक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि राशन वगैरह लेकर आए हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बट आप देख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से ये काम भी रुका हुआ है, सारी मशीनें इधर खड़ी हुई है। ये एक्चुअली यहाँ पर एक पुल बन रहा था, तो ऑल वेदर रूट का काम यहाँ पे चल रहा था, बट अभी लॉकडाउन की वजह से ये काम भी रुका हुआ है सारा। ये देखिए गाइस, दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, और सच कहूँ तो ऐसे हालात में ड्राइव करने का मन भी नहीं कर रहा है ऐसे रोड पे, क्योंकि इससे पहले जब भी हम लोग आते थे तो काफ़ी रश रहता था इस रोड पे, क्योंकि ये रोड जो है नेशनल हाईवे जो कि तवाघाट टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे है, और यहाँ पर ये तारचुला मुंसियारी टीडीहाट और तहसीलों को इसके हेडक्वार्टर से जोड़ता है, काफ़ी आबादी इस एरिया में रहती है, और कभी कभी तो इतना रश रहता था कि जाम लग जाता था यहाँ पे काफ़ी जगह पे, बट अभी आप देख सकते हैं पूरी रोड खाली है, कोरोना वायरस का जो प्रकोप फैला हुआ है पूरी दुनिया में उसकी वजह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं। ये मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा। जय हो। आपने देखा यहाँ पर एक मंदिर है प्यारा सा, ये आप देख सकते हैं वहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे पानी भी था थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा गाड़ी में पानी मारा, गाड़ी साफ करी, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये भी मैं चरमा के आसपास हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे, शायद खिरचना मंदिर इसे कहते हैं, और
यहाँ पर एक पानी का धारा भी है, तो काफ़ी साफ पानी है ये। तो चलिए चलते हैं वादी की ओर। अभी मुझे लगभग 1.5 घंटा हो गया इस रूट पे चलते चलते, लगभग 1.5 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और एक एम्बुलेंस मिली थी मुझे और एक पुलिस की गाड़ी मिली थी, उसके अलावा आप देख सकते हैं पूरी रोड खाली है, एकदम सुनसान यहाँ पे पूरे एरिया में। आप देख रहे हैं पूरा एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है, जो कोरोना वायरस की मार झेल रही है पूरी दुनिया, उसका असर आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं चरमा पहुँचने वाला हूँ पिथौरागढ़ से, वापसी में मैं चरमा पहुँचने वाला हूँ, बट अभी तक मुझे कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं दिखाई दी। तो सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये है चरमा, यहाँ पे आर्मी कैंप है। और ये जो एरिया है, इस एरिया में काफ़ी रश रहता था एक्चुअली। यहाँ पे आर्मी कैंटीन है और जो आर्मी हेडक्वार्टर है यहाँ पर, तो उस वजह से काफ़ी रश रहता था। बट आज आप देख सकते हैं सारी गलियाँ सूनी सूनी, पूरी रोड सारा लॉकडाउन के वजह से पूरी दुकानें बंद है सारी। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी है, सब अपने अपने स्टेशन पे अपने पार्किंग पे खड़ी है, तो अच्छी बात है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो उससे बचाव ही एकमात्र उसका इलाज है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ये सब जो सिचुएशन है वो एकदम ठीक हो जाएगी। सो गाइज, आज के ब्लॉग में बस यहीं तक, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए और पैनिक मत होइए ऐसे सिचुएशन में, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो ऐसे में फिर डिप्रेशन, कई लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग पैनिक मत करिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से ही, जब आप खुश रहेंगे तो अभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस बीमारी का इलाज मिल जाएगा और लाइफ जो है एकदम फिर से पटरी पर आ जाएगी, सभी लोग अपने अपने रूटीन वर्क पे निकलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।